हेलो फैमिली, 3 BHK अपार्टमेंट सहाट वेस्ट लोकेशन में दिखाने वाला हूँ। बहुत ही बढ़िया फ्लैट है, आप एक बार देखो कैसा लगता है कमेंट सेक्शन में जाके बताना। तो जैसे आप आते हो ना, तो ये है आपकी फ्लैट की एंट्रेंस। बेसिकली यहाँ पे आपकी आने वाली है डोर, डोर के बाद ये है आपकी फ्लैट की अंदर की लॉबी। सारे सेक्शन, सारे डायमेंशन स्टेप बाय स्टेप आपको देने वाला हूँ। और जैसे आप अंदर आते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में आपको मिल जा रही है आपकी किचन स्पेस। किचन की बात की जाए तो एल्फ पैरेलल प्लेटफॉर्म बेसिकली मिल रहा है आपको। अगर मैं राइट हैंड साइड में जो प्लेटफॉर्म है, इसकी चौड़ाई काफी अच्छी है। नीचे क्लोज कैबिनेट लगाए गए हैं, ऊपर क्लोज कैबिनेट है। बट आपको फ्लैट जो मिलने वाला है वो रॉ मिलने वाला है। इस साइड में अगर मैं आपको बताऊं तो जो प्लेटफॉर्म है उसकी साइज थोड़ी कम है, बट यहाँ पे आप किचन गैजेट्स लाइक यू नो माइक्रोवेव हो गए, ओवन हो गया। और इस स्पेस में आपको मैं बताऊं, यहाँ पे आपकी है रेफ्रिजरेटर के लिए स्पेस बेसिकली लगाया गया है। हाँ, और यहाँ पे आपको मिल जा रही है ये जो स्पेस है बेसिकली, यहाँ से ये आपकी किचन की सेक्शन हो गई। और इस साइज में साइड में आपको मिल रहा है आपकी ड्राई बालकनी, विच इज योर यूटिलिटी स्पेस, जहां पे आपकी आती है वॉशिंग मशीन, क्लॉथ हैंगर और वेंटिलेशन पर्पज से ये पूरा ओपन रहने वाला है। ऐसा आएगा तो आप यहाँ पे क्लॉथ हैंगर लगा सकते हैं, तो आपकी कपड़े इजिली सूख जाएंगे। ठीक है, तो इसकी पूरी डायमेंशन किचन प्लस यूटिलिटी स्पेस मैंने स्क्रीन पे दे रखे हैं, आप देख सकते हैं। आइए, और जैसे आप इस सेक्शन में आते हैं तो यहां तक है आपकी लिविंग स्पेस। थोड़ा पीछे जाइएगा, यहां तक बेसिकली आपका सिर्फ और सिर्फ लिविंग स्पेस है। ये प्लान मेरे को बेस्ट क्यों लगता है, क्योंकि एल शेप में यहां पे फ्लोर प्लान दे रखा है। आपकी ये लिविंग अलग कर दी गई है और डाइनिंग अलग की गई है। तो फिलहाल मैं लिविंग की बात करूं तो लिविंग में यहां पर आप देख सकते हैं अच्छी खासी सोफा, बीच में आ जा रही है आपकी सेंटर टेबल, और इस साइड में आ रही है आपकी टीवी यूनिट विथ टेलीविजन। साइज बहुत अच्छे हैं, डायमेंशन बहुत अच्छे हैं, लोकेशन बहुत अच्छा है, क्योंकि मुंबई में जो लोग रहते हैं ना उनको स्टेशन के पास सब चीज चाहिए। तो ये अपार्टमेंट है स्टेशन के पास सहाट वेस्ट में। अब मैं बताऊं तो इस ये आप जो देख रहे हैं ये है आपकी लिविंग सेक्शन। लिविंग के बाद में आ जा रही है आपकी बालकनी। प्लीज कम, अगर मैं बालकनी की बात बताऊं तो यहाँ पे आपको बालकनी आने वाली है इनक्लोज, जो प्राइवेसी का प्रॉब्लम नहीं होगा। आप जितनी मर्जी चाहे नीचे चैटिंग कर ले, ऊपर वाला नहीं देखने वाला। और ये है आपकी टफन ग्लास दोनों साइड से लैमिनेटेड, और प्रीमियम वाली आने वाली है, गोल्डन टेक्सचर में आने वाला है। ऊपर से आपका इनक्लोज तो ऑलरेडी है, तो इसकी जो भी साइज है डायमेंशन है आपको स्क्रीन पे देखने को मिल जाएंगे। और इस साइड में आ रही है आपकी डाइनिंग सेक्शन, जहाँ पे ऑलरेडी मैं आपको बताऊं तो 6 लोगों की डाइनिंग सेक्शन लगाई गई है। इसको आप अपने फैमिली मेंबर के अकॉर्डिंगली थोड़ा बड़ा या छोटा कर सकते हैं, बिकॉज स्पेस है अच्छा खासा। इसको आप यहाँ पे भी बड़ा चाहिए तो आप कर सकते हो, थोड़ी सी बड़ी सी डाइनिंग टेबल लगा लो। बट अगर मेरे फैमिली मेंबर यू नो 6 लोग हैं तो बेस्ट है 6 लोगों के लिए। ऐसी आपकी डाइनिंग आने वाली है, साइजेस आपको स्क्रीन पे देखने को मिल जाएगी। प्लीज कम, आप जैसे यहाँ पे आते हैं ये है आपका सेंटर ऑफ द अपार्टमेंट। मेरे लेफ्ट हैंड साइड में एक आपको वॉशरूम मिल जा रहा है, राइट हैंड साइड में आपकी है बेडरूम। तो मैं पहले आपको दिखाता हूं ये बेडरूम, ये है आपका फर्स्ट बेडरूम। फर्स्ट बेडरूम की बात बताऊं तो यहां पे मिल रही है आपकी किंग साइज की बेड। फर्स्ट बेडरूम है, इसको आप बना सकते हो आपका कॉमन बेडरूम, किड्स बेडरूम, इट्स अप टू यू आपको क्या बनाना है। और यहाँ पे आपकी आ जा रही है वार्डरोब। अगर मैं वार्डरोब की बात बताऊं तो ऑलमोस्ट 1.5 से 2 फीट की इसकी डेप्थ है। फुल लेंथ यहाँ पे वार्डरोब लगाई गई है, इस तरीके से आप इंटीरियर कर सकते हो। ये तो जस्ट अ सैंपल फ्लैट है, तो आपको बताने के लिए है कि यहाँ पे किस तरीके से आप इंटीरियर आगे कर सकते हो। और लेफ्ट हैंड साइड में जस्ट ये प्लान में ऐसा है, नीचे आपको अगर मैं बताऊं तो यहाँ पे आपकी टफन ग्लास आ रही है, बेसिकली ये फुल लेंथ रहेगी। और यहाँ पे ये ऐसा है कि प्लान है इसका, ऐसा सबमिट किया गया, अदरवाइज यहाँ पे एक आपकी फुल लेंथ की एक ग्लास रहेगी। ठीक है, जो 3 ट्रैक में रहेंगे, और नीचे आपको जो सपोर्टिंग के लिए दिया गया। ठीक है, तो इसकी सारी डायमेंशन आपको स्क्रीन पे देखने को मिल जाएंगी। जैसे आप बाहर आते हैं, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि लेफ्ट हैंड साइड में आपकी कॉमन वॉशरूम है। तो कॉमन वॉशरूम में जैसे आप आते हो, वॉशरूम की अगर मैं बात बताऊं तो क्या बात है, ऑलमोस्ट एक गोल्डन टेक्सचर में आपको यहाँ पे आपकी शावर फिटिंग्स मिल रही है। लेफ्ट हैंड साइड में आपकी आ रही है कमोड, फिर यहाँ पे आ रही है आपकी वॉश बेसिन। पूरी साइज डायमेंशन स्क्रीन पे आपको देखने को मिल जाएंगे। मुझे तो काफी अच्छा लग रहा है ये, आप एक बार विजिट करो तो मुझे एक और मौका मिलेगा ये अपार्टमेंट को वापस देखने का। ये है आपका सेकंड बेडरूम जो अभी मैं जाने वाला हूं। बेसिकली इसकी डोर यहां पे आने वाली है, और यहां पे आपकी आ जाएगी इसकी अटैच वॉशरूम। बट पहले मैं आपको बेडरूम दिखाता हूं। बेडरूम की अगर मैं बात की जाए तो यहां पे आ रही है आपकी किंग साइज की स्टैंडर्ड 6x6.5 की बेड। यहां पे बेड लगाई गई है, चेयर है, यहां पे टीवी यूनिट लगाया गया है, टेलीविजन लगाई गई है।
तो ऑलमोस्ट जस्ट ये बताने के लिए कि आपके साइजेस कैसे हैं। अगर मैं इसकी कारपेट की बात करूं तो 1033 का कारपेट है, 3BHK अपार्टमेंट है शहाड वेस्ट के मोहनी नगर में। ये है इसकी फ्लैट की डायमेंशन, मैंने ऑलरेडी स्क्रीन पे दिए। अब मैं बताऊं तो यहां पे आपको मिल जा रही है एक और बालकनी जो आपकी सेकंड बेडरूम से, यानी इसको आप बना सकते हो, मास्टर बेडरूम बना लो, इट्स अप टू यू, बट मेरिया सीरीज में सेकंड बेडरूम है। ये है एक आपकी बालकनी जो ऊपर से इनक्लोज है तो प्राइवेसी का प्रॉब्लम नहीं होगा। अगेन बताऊं, टफन ग्लास आ रहे हैं, दोनों साइड से लैमिनेटेड है और ये गोल्डन टेक्सचर में आ रहा है, तो बाहर से देखने में एक गोल्डन अलग फीलिंग आने वाली है, क्योंकि यू नो ग्लास फसाड का पूरा व्यू आएगा, क्योंकि ये है आपका एज ए प्लान दिया गया, पीछे से ग्लास आएगी ऊपर लगेगी। तो बाहर आपने देखा होगा जो कमर्शियल बिल्डिंग्स होती हैं जो टॉप टू बॉटम तक ग्लास फसाड लगा रहता है, वैसी फीलिंग आने वाली है। आई अब मैं दिखाऊंगा इसका अटैच वॉशरूम विच इज योर मास्टर बेडरूम ऑल्सो। फर्स्ट आपकी आ जा रही है वॉश बेसिन जो नीचे से एक स्लैब है, काफी प्रीमियम दिखता है और कोलार की है, फिटिंग सारे कोलार के हैं और गोल्डन टेक्सचर्स में है, तो ये एक प्रीमियम फिटिंग है। यहाँ पे आपकी आ रही है एक बड़ी सी मिरर, ये आपको लगाना पड़ेगा, ये लगा के नहीं मिलने वाला है, ठीक है, क्योंकि आपको फ्लैट रॉ मिलेगा। यहाँ पे आ जाएगी आपकी कमोड और ये है आपका शावर सेक्शन। सीरियसली बड़ा बढ़िया लग रहा है, ऊपर से आप देखो ऐसे शावर ले रहे हो आप, महाराजाओं वाली फीलिंग आने वाली है आपको। इसकी साइज आपको स्क्रीन पे दे दूंगा, आप देख सकते हैं। अब मैं दिखाता हूं आपका थर्ड बेडरूम विच इज योर, यू नो आप इसको कस्टमाइज कर सकते हैं अपने मतलब अपने फैमिली मेंबर के अकॉर्डिंगली, या तो आप मास्टर बेडरूम बना सकते हो, पेरेंट्स बेडरूम बना सकते हो, इट्स अप टू यू। यहां पे आने वाली है इसकी एक डोर जो थर्ड बेडरूम है, प्लीज कम। और ये है आपका बेड, किंग साइज का बेड, 6x6.5 का बेड। यहां पे पीछे आपको दी गई है वार्डरोब, अगर मैं वार्डरोब की डेप्थ की बात बताऊं तो ऑलमोस्ट 2 फीट की डेप्थ है, फुल लेंथ का लगाया गया, जस्ट ये एक सैंपल पर्पस से है, तो आपको तो मिलने वाला है रॉ फ्लैट, आप जस्ट को बताने के लिए लगाया गया है कि हाँ ये चीजें लगाने के बाद कैसा आपका स्पेस है। आप देख सकते हैं वीडियो के माध्यम से मैं इजिली आ रहा हूं जा रहा हूं। इसको लग के आ जा रही है आपकी अटैच बालकनी, प्लीज कम, जिसको मैं आपको कह सकता हूं कि मास्टर बालकनी है। तो यहां पे और जो आपकी रेलिंग आ रही है एक गोल्डन टेक्सचर में आ रही है, यहां पे आपको मिल जा रही है ग्लास फसाड विद दोनों साइड से लैमिनेटेड, साइज अच्छी है, ठीक है। ऑलरेडी यहाँ पे आप 2 चेयर लगा के बीच में एक सेंटर टेबल लगा सकते हो, तो इसके जो भी डायमेंशन है मैं आपको स्क्रीन पे दे दूंगा। लोकेशन बहुत ज्यादा अच्छा है, शहाड वेस्ट का स्टेशन के नजदीक वाला लोकेशन है, ठीक है। अब इसकी दिखाता हूं अटैच वॉशरूम विच इज योर मास्टर वॉशरूम ऑल्सो, प्लीज कम। तो ये है आपका एक मास्टर वॉशरूम। मास्टर वॉशरूम में जैसे मैं अंदर आया, पहली बात बताऊं मुझे भी कोई साइजेस पता नहीं है, साइजेस मैं तो बाद में एडिट करके डालता हूं, बट अभी मैं यहां पे हूं तो मुझे साइज का कोई प्रॉब्लम नहीं। ऑलरेडी शावर सेक्शन में खड़ा हूं, मुझे स्पेशियस लग रहा है ये वॉशरूम। यहां पे आ रही है आपकी शावर सेक्शन विच इज योर कोलार की, सारी फिटिंग्स है गोल्डन टेक्सचर में आ रही है, इवन कमोड फिटिंग्स आपकी कोलार की है, वॉश बेसिन फिटिंग्स कोलार की है, तो कोई भी कंफ्यूजन का प्रॉब्लम है नहीं। और आप देख सकते हैं कि जो टाइल्स लगाई गई है वो पूरी ऊपर तक है, ठीक है। तो ये है 3BHK अपार्टमेंट 1033 कारपेट, प्राइस इसका होने वाला है 98 लाख रुपीस, लोकेशन है शहाड वेस्ट स्टेशन के नजदीक। स्क्रीन पे हमारे नंबर दिए गए हैं, जाइए कॉल करिए। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।